यह पकवान जो आनंद ले रहे हैं बहुत अच्छा बनाती है। नीतू जी का सभी को जय श्री राम। नमस्ते अंकल। हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए सभी को जय श्री राम। नमस्ते प्रणाम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी ने देखा कि आज मेरे घर पे राम ध्यान गुप्ता जी आए हैं और सिंगर सनोज जी आए हैं। ये लोग मेरे पास में ही रहते थे पर हम लोग को पता नहीं था। हमने इनको फेसबुक से फॉलो किया और फिर पता चला कि पास में ही रहते हैं। अरे है इनका देखिए स्टूडियो। मैं इनके घर पे एक दिन गई थी इनको इनवाइट करने कि आइए मेरे घर पे एक दिन डिनर या लंच करने, तो वही आज डिनर करने आए हैं ये लोग मेरे घर पे। और यही है स्टूडियो है दोस्तों, जहाँ से ये लोग अपना सारा रिकॉर्डिंग शूट करते हैं गाना का और तबला का, तो उसका भी मैं आपको दिखा दी हूँ। और चलिए अब मैं आपको इन लोग से मिलवाती हूँ डिनर पे। ये है पकवान जो लोग आनंद ले रहे हैं, बहुत अच्छा बनाती है नीतू जी का ये बनाया हुआ है। और इनका क्या बताऊँ, हम लोग तो आज ये हमारे फैन हो गए थे। हम इनके खाना के मतलब भोजन का बनाया हुआ पकवान का फैन हो गए। हम दोनों भाई आनंद ले रहे हैं, बहुत अच्छा है आपको मेरे तरफ से। यहाँ पे खाना खाते खाते लोग टीवी में देख रहे हैं अपना ही वीडियो और बता रहे हैं कि कहाँ कब कैसे इनका वीडियो वायरल हुआ यूट्यूब पे। अच्छा आपके चैनल पे? नहीं नहीं चैनल पे ये भजन। अच्छा ये भजन लोग जोड़ा तक पहुंच गया ये भजन। अच्छा उन्होंने मुझे देखा तो आशीर्वाद दिया कि ये लड़का इतना अच्छा गाया। अच्छा अच्छा उसके बाद जो वायलिन बजाते हैं हाँ वो जब सुन करके मुझे आशीर्वाद दिए, उन्होंने कहा कि तुमने बेटा अनूप जोड़ा जी का भजन उनके नाम लेकर गाया। अच्छा ये बहुत बड़ी बात है और बहुत खुश हुए मैं ये जान। हम यहाँ पे सब फैमिली के मेम्बर्स बैठे हुए हैं, मेरी माता जी भी मम्मी जी बैठी हुई हैं और सब लोग बात कर रहे हैं। और फिर मैं भैया से पूछ रही थी, मैं पूछ रही थी कि आप कब और कैसे तबला सीखना और ऐसे शुरू किया। आप बताइए भैया, कब कैसे मतलब शुरुआत कब हुई आपकी म्यूजिक की? मेरी शुरुआत बहुत लंबा कहानी है। मेरी शुरुआत बचपन से ही है। मेरे गाँव में नाटक हुआ। अच्छा। मैं उस नाटक में ड्रामा होने से पहले प्रार्थना हुआ करता था। अच्छा। तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था और उसी में मुझे गाने के लिए खड़ा कर दिया जाता था। बस 10-12 साल की होंगी उस टाइम, बस खड़ा हो जाते थे प्रार्थना करते थे। और तो ये राधा श्रीवास्तव से कब और कहाँ मिले? ये हम लोग एक शो आया था भजन घर, उसमें हनुमान बाबा रामदेव जी के सानिध्य में कार्यक्रम हुआ था भजन घर। पूरे भारत से भजन गायकों को चुना गया था। अच्छा। तो राधा भी आई थी, अभी भैया भी उनके जो अच्छा हस्बैंड है वो भी आए हुए थे। हालांकि वो बहुत पहले से गाते हैं, वो भजन सम्राट सुर संग्राम और जिला कवि से बड़े जल्दी शो लोग आ चुके हैं। अच्छा। वही मुलाकात हुआ फिर उसके बाद सारे गाँव का रंगपुर में 2017 में जी गंगा पे आया था। अच्छा अच्छा। तो मैं और राधा, पहले मैं गाया था उसके बाद राधा गाई थी। तो मैं बाहर हो गया था शो से, वो पेंडिंग में चली गई थी। अच्छा। लेकिन फिर भी उसको बहुत अच्छा लगा। मेरा खाना कैसा लगा लास्ट टाइम? बहुत आनंद आया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार फिर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाय बाय। ओके बाय, टेक केयर, बाय।